गाइस, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे मेरे दिन की शुरुआत हो रही है। मैं जा रही हूँ आज स्कूल, तो किस लिए जा रही हूँ वो आपको आगे ब्लॉग में पता चलेगा, और भी बहुत कुछ है। तो गाइस, यहाँ पे मैं हो रही हूँ रेडी। उससे पहले जो भी मेरे चैनल में न्यू आए हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके ऑल कर दीजिए, एंड चलिए फिर ब्लॉग में आगे बढ़ते हैं। अगर मेरा ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक, एक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा राधे राधे। तो यहाँ पे मैं हो गई हूँ रेडी। यहाँ पे ये कड़े पहन लेती हूँ मैं, बहुत ज़्यादा हैवी कड़े नहीं पहनती हूँ, पतले पतले कड़े ही पहनती हूँ। तो बस ये पहन लिया है और अब चलते हैं क्या स्कूल। तो मैं आज अपने बेटे के स्कूल जा रही हूँ, और किस लिए जा रही हूँ वो भी आपको आगे ब्लॉग में बताऊँगी। यहाँ पे तो रेडी हो गई, यहाँ पे मेरे लड्डू गोपाल भी। मुझे पूजा नहीं करनी थी इसलिए मैंने यहाँ पे पूजा नहीं की है, हस्बैंड ने की है, बेटे ने कर ली थी सुबह। और फिर अब मैं ताला वाला लगा कर और फिर बाहर में खड़ी हूँ यहाँ पे जाने के लिए। तो वेट कर रही थी कि कितनी टाइम निकलेंगे करके। और फिर गाइज, स्कूल जाने के लिए इतनी दूर है ना स्कूल की, सोचना पड़ता है मुझे, इतनी तेज़ धूप है, पर स्कूल वालों ने बुलाया है तो जाना ही पड़ेगा। यहाँ पे हम हो गए हैं रेडी और स्कूल जाना ही है अब। बस यहाँ पे पर्दा वर्दा लगा देती हूँ और फिर स्कूल के लिए निकलेंगे। तो फिर मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें भूल गई, मतलब मैं स्कार्फ भूल गई थी मुंह पे बांधने के लिए, क्योंकि बहुत तेज़ धूप है तो मैं स्कार्फ भूल गई थी, इसलिए फिर मैं स्कूल गई। एंड स्कूल से आई, स्कूल से आने के बाद फिर मैं यहाँ पर शाम के टाइम का ये ब्लॉग है। फिर पूरे दिन शूट नहीं किया क्योंकि टाइम भी नहीं मिला, और फिर वहाँ से आने के बाद थोड़ी सी मैं बिजी हो गई थी तो फिर मैं नहीं शूट कर पाई। फिर मैं सो गई थी आने के बाद, खाना वाना खाया फिर सो गई थी। उसके बाद फिर उठी तो यहाँ पे सारे कपड़े वपड़े को हटाया, फिर ये सारे गमलों में पानी वानी डालूंगी अभी मैं, जिस देख सकते हैं सारे गमले को हटाया। और ये जो तार है ना इसको भी यहाँ से साइड करूँगी, क्योंकि मतलब ये जो रस्सी है इसको डोरी को भी साइड में करूँगी, क्योंकि ये सिर में ही बहुत ज़्यादा फंसती है। तो इन सब चीज़ों को सबको साइड में करूँगी अभी। अभी सबसे पहले तो पौधों में पानी डालती हूँ, क्योंकि मुझे मेरे पूरे पौधे सूख रहे थे और 3-4 दिन से मैं पानी ही नहीं डाल पा रही थी। मतलब हस्बैंड डालते थे पर मैं नहीं डालती थी, और मैं शाम के टाइम सुबह का टाइम डालती ही हूँ, तो अभी मैं नहीं डाल रही थी 3-4 दिन से। और अब मैं आज इसमें डाल देती हूँ, पूरा पानी वानी भर देती हूँ, क्योंकि ये पूरे पौधे मेरे सूख गए हैं। पता नहीं क्यों अचानक से इतनी तेज़ तेज़ धूप के कारण तो पूरे पौधे बेकार हो रहे हैं। यहाँ पे लग रही थी बहुत ज़्यादा गर्मी क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा थी, और बालों को फिर मैंने समेटा, क्योंकि जब तक मैं बाल को बांध नहीं लेती हूँ मेरे से काम वाम नहीं होता है, और वैसे भी साड़ी पहन के बहुत मुश्किल से काम करते बनता है, पर पूजा पाठ करने के लिए ये सब करने के लिए पहन लेती हूँ, और फिर वैसे भी पहनती ही हूँ मैं तो साड़ी। यहाँ पे सब समेट देती हूँ और ये देख सकते हैं पूरा मिट्टी मिट्टी बहकर आ जाता है ना, पूरा मिट्टी मिट्टी हो जाता है, इसलिए यहाँ पे गंदा जम जाता है, तो यहाँ पे साफ़ कर देती हूँ मैं अच्छे से। और गाइस, जितना साफ़ सुथरा रहेगा उतना अच्छा रहेगा, निगेटिविटी ज़्यादा आती है वरना नहीं, तो जितना गंदा रहेगा उतना ही निगेटिविटी फैलती है, तो इसीलिए ना भाई साफ़ सुथरा रखती हूँ मैं, जितना साफ़ सुथरा रहेगा उतना अच्छा रहेगा। और फिर अब यहाँ पे आते हैं किचन में। तो मैं इतना थक गई थी ना वहाँ से आने के बाद कि मैंने किचन विचन कुछ साफ़ नहीं किया था। मैंने सोचा कि जब मैं सो के उठूँगी तब मैं क्लीन कर लूँगी, तो अब यहाँ पे क्लीनिंग कर लेते हैं। उससे पहले मैं अपनी दवाइयाँ ले लेती हूँ क्योंकि मैं भूल जाती हूँ फिर, तो जब किचन में रहती हूँ तो मुझे याद रहता है कि मुझे क्या करना है, और दवाई के लिए भी याद रहता है। तो मैं यहीं पे काम करते करते अपनी जैसे इस मुझे थोड़ी सी समय मिलता है तो मैं दवाइयाँ खा लेती हूँ, और ये वाली ये सिरप को पी लेती हूँ। मुझे इतनी गंदी लगती है ना सिरप, लेकिन पी लेती हूँ फिर भी, क्योंकि ये मल्टी विटामिन की है तो ठीक है, मैं पी लेती हूँ उसको। उसके बाद यहाँ पे फिर अपना काम स्टार्ट करते हैं, ये जो बर्तन वर्तन है सब चीज़ों को धुलूँगी, और ये सारे डब्बे उब्बे हटा के ये वाला स्टैंड चाहिए मुझे बुक्स वगैरह रखने के लिए। तो मैं क्योंकि इतना स्पेस है नहीं और इस घर में कुछ भी ऐसा है नहीं कि मैं कहीं पर रख दूँ जमा के, तो खुद का ही मतलब अलमारी हो सब चीज़ हो, तो ज़्यादा किराए के घर में ज़्यादा चीज़ें फैलाना भी ठीक नहीं लगता है, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ लेती भी नहीं हूँ, जो है जितना है उतने में ही काम चलाना बेहतर समझती हूँ। तो
यहाँ पे मैं स्टैंड को खाली कर दिया मैंने, और अब इस रूम की बारी, आप देख सकते हो ये रूम इतना फैला हुआ है ना, इतना फैला हुआ मतलब, और ये एक रूम फैलाने सिर्फ बेटा फैलाता मेरा, और देख सकते हो एक एक चीज़ इतनी छत बत फैली हुई है, मतलब क्या ही बोलो, अब पूरा देख सकते हो, दिखा ही रही हूँ आपको कि पूरी चीज़ें मैं जल्दी जल्दी से कैसे मैनेज करती हूँ, पूरी चीज़ें सब फटाफट से समेटूँगी, इतना गंदा हो जाता है पूरा घर, एक एक चीज़ निकालते हैं और सारी चीज़ों को फैला के रख देते हैं, तो इसीलिए फिर मुझे पूरा एक एक करके समेटना पड़ता है। यहाँ पे चादर चेंज कर देते हैं क्योंकि वो चादर हो गया है गंदा, यहाँ पे चादर चेंज कर दिया, और ये सब कवर अवर इनके निकाल निकाल के साइड में अभी रख दूँगी मैं, इसलिए क्योंकि इनको धुलना है मुझे, तो धुलने वाले कपड़े अलग रखूँगी और जो नहीं धुलना है उनको बाद में जमा के अलग रख दूँगी। देखो यहाँ भड़बड़ा के सब गिर गया, अब इसको हटा देते हैं, इसको रख दूँगी मैं बाहर में। और गाइस फिर यहाँ पे सारी ये जो झाड़ू उड़ लगाने के बाद, साफ़ सुथरा करने के बाद स्टैंड में लगा दूँगी सारी बुक्स वगैरह, जितनी बुक्स हैं इसकी और जो कॉपीज़ हैं, नोटबुक है, जो भी बोलते हैं, इन सबको जमा जमा के फटाफट रखती हूँ इसमें, क्योंकि फिर ये आरू क्या करता है, उसको चीज़ें मिलती नहीं है ना, तो फिर चिड़चिड़ करता है, इसीलिए मैं इसको सबको जमा के रखने वाली हूँ। और ये सोफ़े को भी अभी हटाऊँगी यहाँ से, क्योंकि मैंने बड़ा वाला जो सोफ़ा होता है उसको मैंने अंदर रख दिया था, तो अब उसको हटा के उसको रखने वाली हूँ। ये सारी बुक्स वगैरह हैं जो कि उसकी जमा के मैं साइड में मतलब रख दूँगी, तो उसको इजीली मिल जाएंगी चीज़ें, और वो तो इतना फैला देता है ना, सीरियसली इतना फैला के रखता है कि मैं क्या बोलूँ, पूरी चीज़ें अस्त व्यस्त कर देता है। फिर मैंने ये पॉट्स को यहाँ रखा, फिर हटाया कि कहीं ये स्टैंड से निकालते समय कॉपी के साथ गिर गया तो फिर वो चला जाएगा मेरा बम्बू प्लांट, तो मैं उसको साइड में ही वहीं लैपटॉप के पास रख दिया। इसके बाद हो गई मेरी पूरी क्लीनिंग, पूरी साफ़ सफाई इवनिंग की, ये देख सकते हो। अभी वहाँ पे मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर रही हूँ, नेक्स्ट डे करूँगी, या मंदिर की साफ़ सफाई भी मैं करूँगी, नेक्स्ट डे करने वाली हूँ, आज अभी नहीं करने वाली हूँ। तो यहाँ पे ये मेरा सब साफ़ सफाई हो गया है, ये देख सकते हैं पूरी क्लीनिंग हो चुकी है, और अब यहाँ पे मैं सोफ़े को भी जमा देती हूँ। यहाँ पे इसको अंदर कमरे में था, ये रूम में था, तो मैं उधर से हटाकर अब इसको वापस से वहीं पे रख दिया, और अब इस बेड की हालत देखो कितना फैला हुआ है, अब इसको भी फटाफट से क्लीनिंग करते हैं। पे सारे कपड़े हटा दिए हैं, और अब यहाँ पे इस चादर को भी चेंज करते हैं जल्दी से, मतलब चादर को चेंज नहीं करूँगी, चादर वही रहेगा, उसको साफ़ सुथरा कर दूँगी, बस पहले इसको पोछूँगी मैं पूरा, ये देखो ये बॉल न्यू बॉल है और निकाल कर रख दिया डब्बे से उसने बाहर में, मैं तो क्या ही बोलूँ, अब बेड में रात में सोते समय, दिन में सोते समय उसको बॉल ऐसे ही खेलता रहता है बेड में पड़े 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 पड़े, तो क्या बोल सकते हैं। फिर यहाँ पे इसको हटा देते हैं, ये सब चीज़ें साफ़ सुथरा कर देते हैं, यहाँ पे चादर चढ़ा दिया, इसको साफ़ सुथरा कर दिया, अब लगाऊंगी मैं यहाँ पे झाड़ू। अब यहाँ की क्लीनिंग लगभग कंप्लीट हो गई है, अंदर कमरे की क्लीनिंग भी लगभग कंप्लीट हो गई है, ये देख सकते हैं यहाँ पे पूरा, अब बस जो कपड़े फैले हुए, मतलब जो कपड़े रखे हुए हैं ना नीचे दिख रहे होंगे आपको, सब कपड़े अभी जमा के रखूँगी मैं बाद में। अब आ जाते हैं किचन में और किचन का काम स्टार्ट करते हैं। फिलहाल के लिए मैं स्टैंड यहाँ पर डाल देती हूँ, फिर बाद में देखूँगी इसका करना क्या है। तो मैं यहाँ पे अब किचन का काम फटाफट से निपटाऊँगी, ये देख सकते हैं किचन की क्लीनिंग नहीं करना बोल सकते हैं, बर्तनों की साफ़ सफ़ाई जो भी है, तो यहाँ पे सारी चीज़ें खाली कर देते हैं, टिफ़िन में रख देती हूँ ये सब्जियाँ और चावल थोड़ा सा बचा हुआ उसको, तो यहाँ पे मैं चने को भिगो के रखती हूँ, तो वो चने बचे हुए थे तो उसको भी साइड में रखा, और अब यहाँ पे बर्तनों की साफ़ सफाई स्टार्ट करते हैं, बर्तन साफ़ सुथरा कर लेते हैं। गाइज यहाँ पे हो गई बर्तनों की सफाई, और अब यहाँ पे ये देख सकते हैं पूरी क्लीनिंग वगैरह कंप्लीट हो गई है। फिर मैं यहाँ पे बाहर में आके थोड़ी देर, इवनिंग का टाइम है आप देख सकते हो, खड़ी हूँ, और अब
मेरा काम हो जाता है यहाँ से कंप्लीट। देन गाइस, जो भी मेरे चैनल में न्यू आए हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके ऑल कर दीजिएगा, एंड कुछ भी पूछना है तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। एंड गाइस, राधे राधे, एंड प्लीज़ लाइक कमेंट्स एंड सब्सक्राइब करना मत भूला करिए, क्योंकि मेरी जो मेहनत है ना वो बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है भाई, एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो प्लीज़ लाइक कमेंट्स एंड सब्सक्राइब, एंड राधे राधे।